जस्ट केस फिनिश किया है, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स केस है जो पहले तीनों नलियों में ब्लॉकेज था, जिसमें दो नली में पहले स्टेंट डाल चुके हैं। अभी जो थर्ड नली था, ये नली जो मेन नली है जिसमें काफ़ी कैल्शियम जमा हुआ था, और इसीलिए हमने इसको एक लेटेस्ट तरीके से किया जहाँ पे हमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है वो दिखता है, जिसको कहते हैं OCT गाइडेंस। उसमें एक रोटा ड्रिल जाता है जो कि उस कैल्शियम को निकालता है, और वो कैल्शियम जब निकल जाता है तो बलून से ये मतलब खुलने के चांसेस ज़्यादा होता है। और इसको OCT गाइडेंस, OCT एक बहुत छोटा सा कैमरा होता है जो अंदर जाता है, और इसमें इंफ्रारेड रेज निकलते हैं, और ये जब पुल बैक होता है ऑटोमेटिक तो सारे पिक्चर्स अंदर से कैसा दिखता वो दिखाता है, जो कि आप अभी तस्वीरों में देखेंगे। और उसके गाइडेंस में फिर हम स्टेंट डालें, और इस स्टेंट डालने के प्रक्रिया में जो सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो यूज़ हुआ है, कहाँ पे स्टेंट डाले, कितने हम उसको बलून से इन्फ्लेट करें, और इस तरह से बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें मिला है आज। यहाँ पे लेटेस्ट जो कैथ लैब मशीन फोर्टिस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आया है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दिस इज आवर लेटेस्ट फोर्टिस कैथ लैब मशीन। बहुत कम सेंटर्स हैं राजस्थान में और इंडिया में जहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है इस मशीन का। जैसा कि हमको पता है, कैथ लैब मशीन इज रिक्वायर्ड टू डू इंटरवेंशंस लाइक कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, हार्ट फेलियर डिवाइसेस, और मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस इज़ द वर्जन जिसमें पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर लगभग 25-30% तक कम रहता है, प्रोसीजर टाइम कम रहता है, प्रोसीजर आउटकम्स बेटर रहते हैं, क्योंकि इस मशीन में बेटर रेजोल्यूशन है और इस तरह के इनोवेशन हैं कि पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर कम होता है, तो इससे पेशेंट को फायदा मिलता है। कम रेडिएशन, लेसर प्रोसीजर टाइम एंड बेटर प्रोसीजर आउटकम से इट ऑल हेल्प्स पेशेंट इन द लॉन्ग टर्म। इस मशीन में ये फायदा होता है कि ये जो आप एंजियोग्राफी इमेज देख रहे हैं, ये बहुत ही मतलब उमदा रिजोल्यूशन है, जहाँ पे बहुत ही हाई पिक्सल है और बहुत क्लैरिटी से दिखाता है। साथ ही साथ लाइव इमेजेस में हम, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये OCT इमेज है जहाँ पे एक छोटा कैमरा हार्ट के अंदर जाता है, और इसके अंदर से पिक्चर हमें हार्ट के अंदर के खून की नलियों के अंदर के पिक्चर्स देता है, जैसे कि इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है, IVUS जिसको कहते हैं, या OCT। और ये साथ साथ हम कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ पे ये एनजीओ कोर रजिस्ट्रेशन भी है। इस एनजीओ कोर रजिस्ट्रेशन मतलब मेरे कैमरा किस पॉइंट पे गया है, ये साथ साथ लाइव इमेजेस दिखाता है, तो मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट कि यहाँ पे इस किस पॉइंट पे है वो दिख जाएगा, तो हम इसे एनजीओ कोर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसी तरह कुछ जांचें होती है जो एक तार जांच जिसको बोलते हैं FFR होता है, जहाँ पे हम अंदर ब्लड फ्लो कितनी जाती है वो नाप सकते हैं, अंदर की खून बहने की रफ्तार और मात्रा कितनी है वो नाप सकते हैं। तो उसके नापने के लिए अगेन एक तार अंदर जाता है, उस तार को किस पॉइंट पे है, क्या पॉइंट पे है, इसमें कोर रजिस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं। इधर हमारे आता है डायनामिक कोर रजिस्ट्रेशन, जबकि जैसे ही हम एक्सरे स्विच दबाते हैं तो हमें हार्ट की पोजिशन, एक आप देखेंगे पिंक कलर के गुलाबी उसमें चलते रहता है, तो हमें हार्ट की पोजिशन बार बार बैकग्राउंड में दिखते रहता है। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि बार बार हमें कॉन्ट्रास्ट जिसको बोलते हैं दवाई, हमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बीच में, कि हमें ये पता लगाए कि हम किस जगह हार्ट के अंदर खून की नलियों में किस पॉइंट पे हैं। इसको बोलते हैं DCR। अगेन दिस इज़ अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये खून जो हम एंजियोग्राफी के लिए कॉन्ट्रास्ट देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसके ज़्यादा अधिक मात्रा से किडनी में भी असर आता है। और यहाँ पे सारे हीमोडायनामिक पैरामीटर्स चलता है। हीमोडायनामिक्स मतलब ये होता है कि हार्ट की धड़कन कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, सैचुरेशन कितना है, ये पैरामीटर्स। तो ये सारे चीज़ें ऑपरेटर को दिखते रहता है लाइव। इससे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर ऑर्डिनरी मशीनों पर नहीं होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इतने एक्यूरेसी से करने के बाद लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो होते हैं पेशेंट को, जो होता है जिसको हम आउटकम बोलते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या रहा, वो काफ़ी बेहतर होता है, और इसका रिफ्लेक्शन लॉन्ग टर्म में पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी हम अंदर स्टेंट डालते हैं ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। हम यहाँ पर सभी तरह के सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन करते हैं। इन इंटरवेंशंस के अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज करते हैं तो उसके अंदर 3D लाइव इको का इस्तेमाल करते हैं। इसे हमें, फॉर एग्जाम्पल, जब हम ESG डिवाइस क्लोजर कर रहे हैं तो डिवाइस की एग्जैक्ट पोजिशनिंग पता चलती है।
हम बीएमबी करना चाहते हैं तो एटल सेप्टल पंक्चर हमारा बहुत ही एक्यूरेट, आसान और मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के साथ हम कर पाते हैं। हम लाइव मोड के अंदर देख पाते हैं कि हमने किस तरह से बीएमबी परफॉर्म किया है। इसी तरह से हम इंटीग्रेटेड इंट्राकार्डिक इकोकार्डियोग्राफी का इस्तेमाल भी आजकल कर रहे हैं। फिर हम जब पेरिफेरल इंटरवेंशन करते हैं उसके अंदर पेरिफेरल आईवस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉर्नर इंटरवेंशन के अंदर आईवस, ओसीटी, एफएफआर इनका इस्तेमाल करते हैं। इन सब का उपयोग प्रोसीजर को एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है, साथ ही जटिलताएं और पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस को भी एकदम मिनिमम कर देता है। इस मशीन के कारण हम छोटे छोटे बच्चों में जो कैथ की जटिल प्रोसीजर्स होते हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या एडवांटेज होती है इसमें कि 3D रोटेशनल होने से जो बच्चों की कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा और पीडीए, जटिल पीडीए, उसका हमें कम से कम कंट्रास्ट में 3D रोटेशन के कारण एक या दो शॉट में ही उसकी पूरी डिटेल पता लग जाती है। छोटे बच्चों में कंट्रास्ट कम देने से प्रोसीजर बहुत आसान हो जाता है। दूसरी इसमें अनेक विशेषताएं हैं जिसमें पीडियाट्रिक्स में जो यूजफुल होती है, हम इसमें सीटी भी, इमेजेस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कैथ में। जैसे किसी बच्चे को क्वाक्टेशन है या जिसकी पल्मोनरी आर्टरीज में सुकड़न है तो उसको हम विशेषताओं से इस कैथ लैब के द्वारा, जो अन्य नॉर्मल कैथ लैब में संभव नहीं होता, उसको हम एक ही व्यू में, एक ही एनजीओ से उसके 3D रोटेशन में सारी चीजें देख सकते हैं, जिससे उनको ठीक करने में, उसमें डिवाइस लगाने में, उसमें स्टेंट लगाने में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये मशीन बहुत महत्वपूर्ण है उन बच्चों में जिसमें जटिल प्रोसीजर्स होते हैं और दुर्लभ प्रोसीजर होते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर राहुल सिंगल, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, जयपुर। दोस्तों, आज हम फोर्टिस में एक स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब में खड़े हैं जिसमें फिलिप्स एजुरियन 7C20 कैथ लैब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीलिंग माउंटेड लैब है और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि यह मशीन 3 जगह से घुमा जा सकती है, जिसकी वजह से ऑपरेटर को ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। सिंस ये मशीन 3 जगह से घुमाई जा सकती है तो इसमें CPR बेटर तरीके से हो सकता है, क्योंकि मशीन को हम काफ़ी दूर पोजीशन कर सकते हैं। और तीसरा, जब हम लोग पेसमेकर वगैरह करते हैं या कोई डिवाइसेस डालते हैं, कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, तो उस टाइम भी हम स्टेरिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर जो डिटेक्टर लगा हुआ है, बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी का डिटेक्टर है, जो कि जिसमें 400 मेगापिक्सल्स के डिटेक्टर पिक्सल्स हैं, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है। तो इसमें हम बारीकी से बारीक जो कोई चीज़ हम देखना चाहते हैं, हार्ट के अंदर की जो आर्टरीज़ हैं और कोई स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हम क्लियरली देख पाते हैं। तो इसमें हम 25-30% फ्लोरो का टाइम अपना कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोसीजर टाइम कम हो जाता है और मरीज को भी और करने वाले को भी रेडिएशन के खतरे से बच सकते हैं।